दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। धर्म प्रचार संघ एवं न्यू कैलाश नगर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से न्यू कैलाश नगर में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के दूसरे दिन पधारी साध्वी प्रियंका बाबा ने उपस्थित प्रभु भक्तों का मार्गदर्शन करते हुए सभी को धर्म के प्रति एकजुट होने का संदेश दिया। इस मौके पर पार्षद भगवंत प्रभाकर, जॉली बेदी, किशनलाल सैनी, विजय बत्रा, आशीष सहगल, वैभव शर्मा, सुशील सैनी, वरिंदर मोहन, विनोद घई, चंद्र वर्मा, ललित मोहन खन्ना, पुनीत चड्डा सहित इलाका निवासी भी मौजूद थे। दानव, राक्षस, दैत्य, देवता, हर कोई उससे भयभीत था। रावण से बड़ा इस दुनिया में और कोई शक्तिशाली जीव और नहीं था। हर वो रावण की जय जयकार होती, लेकिन भूल कहां हुई? सब कुछ तो मिल गया, रावण जो चाहता था उसे प्राप्त हो गया, रावण की मां जो चाहती थी उसे भी वो प्राप्त हो गया। लेकिन एक दिन जब रावण माता जानकी जी का हरण कर लाया, माता सीता जी का हरण कर उसे अपनी लंका में लेकर आया, तो उसे सबसे पहले रोकने वाली कौन थी? उसी की माता। रावण की माता कैसे कहती है, बेटा जिसका तू हरण कर लाया है ना, ये साक्षात कर अग्नि है और अग्नि तेरी पूरी लंका को जलाकर भस्म कर देगी। इसे जहां से लाया है वहीं पर छोड़ कर आ, मैं अब भी तुझे अंतिम बार कहती हूँ बेटा, इसे लंका में प्रवेश मत करवा। था नहीं जाता था, तब तूने मुझे युद्ध लड़ाया, अपने ही भाई के संग मैंने युद्ध लड़ा, लंका का राज सिंहासन प्राप्त किया, तो माँ तो बड़ी प्रसन्न थी। आज मैंने अपनी इच्छा की पूर्ति की है तो तुम मुझ पर ही उंगली उठाती है। माँ अब तो मुझे स्वयं हरि भी मारने के लिए आ जाए, मैं सीता को लौटाने वाला था। गल बिच हार मा